नमस्कार दर्शकों, कैन एन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है, उसी में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर अपना उम्मीदवार चेंज कर आलोट निवासी वीरेंद्र सिंह सोलंकी को जावरक विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सोलंकी के नाम घोषित होते ही वीरेंद्र सिंह सोलंकी आलोट खेड़ापति हनुमान मंदिर के दर्शन कर विधायक मनोज चावला के कार्यालय पर पहुंचे, जहां सभी का स्वागत किया गया। वीरेंद्र सिंह सोलंकी के टिकट की खबर जैसे ही आलोट निवासियों को लगी, वैसे ही नगर में उत्साह का माहौल हो गया और जगह जगह पर सोलंकी का भव्य स्वागत किया गया। आलोट और जावरा दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होने को देखने को मिल सकता है। सोलंकी की टिकट होने से आलोट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आ गई। अब कांग्रेस आलोट में और ज्यादा मजबूत होकर सामने आएगी। वही वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा, जो आज मैं हूँ आलोट का स्नेह और प्यार का फल है, मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। आलोट से नवीन पहाड़िया की रिपोर्ट। विधानसभा का टिकट मिला जावरा से, बहुत संघर्ष करने के बाद मिला, क्या कहना चाहेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कांग्रेस हाईकमान, मध्य प्रदेश के माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी सहित जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने अपने दिल की भावनाएं हाईकमान तक पहुंचाई, उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी ने मुझ पर जो विश्वास किया है, उसके ऊपर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। और कार्यकर्ताओं की भावना का मान सम्मान करते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता का जो है अपेक्षा, उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। जावरा के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहिए? जावरा विधानसभा में पिछले 4 साल से जब से गया हूँ, मुझे लगता है कि मेरा अपना परिवार है। आलोट की तरह वहाँ उससे भी कहीं अधिक मुझे लाड़ प्यार सम्मान मिला। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह अपना बेटा और भाई बनाकर उन्होंने अब तक मुझे रखा है जिंदगी भर, चूँकि मैं एक सपना और प्रण लेकर के जावरा गया था कि मैं जीवन पर्यंत जब तक जीवित हूँ तब तक जावरा विधानसभा में उनके भाई की, उनके बेटे की तरह काम करता रहूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यही सम्मान और यही प्यार मुझे जावरा में मिलता रहे। आलोट में बहुत प्यार मिला है आपको और आगे भी बहुत मिलने की संभावना है, आलोट की जनता के लिए क्या कहेंगे? मैं आलोट की जनता को भी बहुत दिल से धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। मैं अगर किसी मुकाम पर हूँ तो वो आलोट की बदौलत है, यहाँ के जो प्यार और सम्मान मिला उसकी बदौलत है। और मैं उम्मीद करता हूँ, आलोट की जनता से अपील करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आलोट का एक बेटा बाहर जाकर अगर विधानसभा में जाए तो एक बेटा आलोट से भी विधानसभा में जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आलोट से 2 विधायक बनकर के इस बार जाएं और कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बने। Yeah.